नमस्कार, पल पल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आज किसान आंदोलन का 19वां दिन है, तो आंदोलन के बारे में डिटेल से बताने के लिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में जुड़े हैं पल पल के प्रधान संपादक मिस्टर सुरेंद्र भाटिया जी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। तो सर, जैसा कि आज किसानों ने सत्याग्रह का रास्ता अपनाते हुए उपवास रखने का फैसला किया है सुबह 8 बजे से 5 बजे तक, तो उपवास के अलावा और उनका आंदोलन में और क्या क्या उनकी गतिविधियां आज शामिल रहेंगी? किसानों ने आज जो है 19वें दिन में दिल्ली के सिंधु बॉर्डर पे वो किसान नेता जो सरकार के साथ बातचीत कर रहे थे, लगभग 40 नेता जो हैं वो आज उपवास पे हैं। यह उपवास किसान नेताओं ने शायद उन्होंने इसलिए रखा है, कुछ लोग जो आंदोलन के विरोधी हैं और सरकार आंदोलन पर साजिश करने, आंदोलन पर जो खालिस्तानियों के शामिल होने, इसके अतिरिक्त टुकड़े टुकड़े गैंग के शामिल होने के आरोप लगा रही थी, तो किसान एक संदेश देना चाहते हैं कि वो इस आंदोलन को शांतिपूर्ण ढंग से चलाए हुए हैं और महात्मा गांधी द्वारा दिखाए गए रास्ते पे चलते हुए वो इसके सत्याग्रह के माध्यम से ही सरकार पे दबाव डाल रहे हैं। एक तो उनका ये संदेश आ जाएगा और आप सबको हम बता दें उनके इस सत्याग्रह में कुछ राजनीतिक दल भी शामिल हैं। हालांकि किसान नेताओं ने केवल जो नेताओं को उपवास रखने की बात कही थी, लेकिन अनेक लोग अपने मन से आज उपवास कर रहे हैं। खास तौर पे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी उपवास रखने और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को उपवास रखने का संदेश दिया है, अपील की है। इसके अतिरिक्त देश भर में जो हैं किसान वो आज उपायुक्त निवास स्थानों पर, उनके कार्यालयों पर और खास तौर पे पंजाब और हरियाणा और कुछ अन्य स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं, सांसद हैं, एमएलए हैं, मंत्री हैं, उनके निवास स्थान पर धरना रखने की अपील की है। तो अब तक हमें जो है दोपहर होने वाली है, अब तक हमें जो समाचार मिले हैं आंदोलन पूर्ण रूप से शांतिपूर्ण है। वहीं इस आंदोलन के अंतर्गत कल रेवाड़ी के पास राजस्थान से एक जत्था, जो किसानों का हजारों किसान राजस्थान से दिल्ली सीमा पर आ रहे थे, उन्हें रेवाड़ी रोका गया और वहां पे सामाजिक कार्यकर्ता मेघा पाटेकर और युगेंद्र यादव सहित अनेक किसान नेताओं को भी वहीं पे रोका गया है और अभी तक वो जयपुर दिल्ली हाईवे के भी बंद होने की खबरें हैं। जहां एक तरफ सरकार के द्वारा बार बार आश्वासन दिया जा रहा है किसानों को कि उनकी MSP जारी रहेगी, उसके बावजूद भी दूसरी तरफ किसान जिद पर अड़े हुए हैं आंदोलन जारी रखने के लिए, तो इसका सर मुख्य कारण क्या है आपके अनुसार? ऐसा है, किसान नेता जो हरियाणा किसान यूनियन के अध्यक्ष हैं गुरनाम सिंह जी, उनका कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात कही थी। लगता है कि किसान नेताओं की यही शंका है, क्योंकि सरकार कह रही है अभी MSP जारी रहेगी। किसान नेताओं का मानना है कि सरकार धोखे में रख रही है, MSP जारी नहीं रहेगी। गुरनाम सिंह जी ने क्या बात कही वो आप सभी दर्शक हमारे और आप भी उनकी ये वीडियो सुन लें, उसमें वो स्पष्ट कर रहे हैं कि MSP में सरकार की मंशा क्या है। है, इन्होंने कान पका दिए हमारे, लेकिन मैं आपको इसका स्पष्टीकरण देना चाहता हूँ। हमारी 8 तारीख शाम को जो मीटिंग हुई थी माननीय अमित शाह से, जो मीटिंग हुई थी उसमें मैंने ये क्वेश्चन किया था कि अमित शाह जी आप ये बताइए कि आप 23 फसलों का MSP तय करते हैं, क्या आप 23 की 23 फसलें आप पूरे देश से MSP में खरीदने के लिए तैयार हो? उन्होंने क्लियर जवाब दिया था कि नहीं खरीद सकते, 17 लाख करोड़ रुपया बनता है, हम नहीं खरीद सकते। बिल्कुल क्लियर उन्होंने जवाब दिया। मैंने उनको ये भी आगे से जवाब दिया कि 17 लाख करोड़ तो कुल कीमत है, आप जो बेचोगे वो बेचोगे भी तो। अब जैसा कि आपने सुना, गुरनाम सिंह जी स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि जब उनकी गृह मंत्री अमित शाह जी से बैठक हुई तो उन्होंने ये कहा भी अगर हम 23 जो किसानों के 23 उत्पादन हैं उन पे MSP देते हैं 100%, तो वो 17 लाख करोड़ रुपए खर्च होते हैं, इसलिए हम सभी पे MSP नहीं दे सकते।
इसी कारण से जो किसानों किसान नेताओं में और किसानों में ये शंका है कि सरकार इसको कानून का दर्जा नहीं दे रही, केवल इसको एडमिनिस्ट्रेटिव निर्णय कह के किसानों को गुमराह कर रही है, इसी कारण किसान जो है इस बात पर राजी नहीं हो रहे। जैसा कि किसान आंदोलन को चलते 18 दिन हो गए हैं, यह आंदोलन अब आज 19वें दिन में है और लगातार सरकार के साथ बातचीत भी जारी है किसानों की, लेकिन अभी भी इसमें कोई मतलब बदलाव नहीं दिखाई दे रहे हैं। अब इसकी सर आपके अनुसार इस आंदोलन में नेक्स्ट रूपरेखा क्या होगी? ऐसा है, किसानों ने खास तौर पे जैसे हमने गुरनाम सिंह की जो बाइट सुनाई आपको, उनने ये घोषणा कर रखी है भी 19 दिसंबर तक अगर इसका हल नहीं हुआ तो वो अमरन अनशन पर बैठेंगे। जब तक वो अनशन करते रहेंगे, जब तक उसका निर्णय नहीं होता, चाहे वो जीवन त्यागना पड़े, तो किसान पूरी तरह से बाजिद हैं इस आंदोलन के लिए। तो ये आज शाम तक हमें ऐसा लगता है कि आज जो अनशन किसान कर रहे हैं, शायद सरकार पे कुछ दबाव हो और सरकार उनको बातचीत के लिए बुलाए, कोई हल ढूंढने की कोशिश करे। अगर सरकार ने हल ढूंढने की कोशिश नहीं की, क्योंकि 19 दिन ऑलरेडी हो चुके हैं और किसानों ने भी जानबूझकर 5 दिन का और समय देते हुए 19 दिसंबर से आमरण अनशन करने की जो है चेतावनी दी है, तो अब ये देखना होगा कि सरकार और किसानों के बीच में कोई बीच का रास्ता निकलता है अथवा नहीं। धन्यवाद सर। तो जैसे ही हमारे पास कोई नई अपडेट आती है किसान आंदोलन को लेकर, तो हम आपके साथ फिर से जुड़ेंगे। तो जुड़े रहिए पल पल के साथ। नमस्कार। नमस्कार।